All right. So once again, very good afternoon to all of you. And we are beginning the class. Article jo ट्वेंटी नाइन से आज हम शुरू करने वाले हैं. All right. So once again, very good afternoon to all of you, and we are beginning the class. Article jo yes, okay. YouTube पे थोड़ा doubling हो रहा था, so I have switched off YouTube. Now we are starting. One second. Still, अभी भी और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. वॉट इज आर्टिकल 29 एंड 30? क्या होता है आर्टिकल 29 एंड 30? Anyone? चलिए. Right to religion basically taught about practice whatever religion he or she chooses. साक्षी ने लिखा है. ओके. कृष्णा लिखा है ड्यू टू योर कम्युनिटी. इतिशा ने लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट. ऑल राइट, सब ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही लिखा है. हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 29. उससे पहले जो ये फंडामेंटल राइट है उसका नाम हम लिख देते हैं, जो कि किसके लिए होती है? फॉर माइनॉरिटीज के लिए होती है. ठीक है, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए ये राइट होता है. उससे पहले हमने राइट टू रिलीजन हमने देखा, उससे पहले हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमने देखा, राइट टू फ्रीडम देखा, राइट टू इक्वालिटी देखा, और आज हम करेंगे क्या? दैट इज अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट का नाम क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 29. ठीक है, इस पे हम आर्टिकल 29 पढ़ेंगे. आर्टिकल 29 क्या होता है? आर्टिकल 29 जो कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसी भी पार्ट ऑफ सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं, जो भारत के किसी भी कोने में रह रहा हो, उसको अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर उसको सेव करने का राइट देता है कि वो उसे बचा सकता है. आर्टिकल 29 क्या है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, एनी सेक्शन ऑफ
सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो तो वो अपनी, ये पूरा एक एक ही है, बस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा अलग लिख रहा हूँ, वो अपनी लैंग्वेज को, वो अपने स्क्रिप्ट को, या उनका जो कल्चर है, स्क्रिप्ट या फिर जो उनका कल्चर है, इन सबको क्या कर सकते हैं, दे कैन कंजर्व इट, ठीक है, कंजर्व कर सकते हैं, बचते हैं, और सेव तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स, जैसे कोई भी इंडिया का सिटीजन है, उसको कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे रेस कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, चाहे लैंग्वेज कुछ भी उसकी हो, उसे एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, क्या होता है एग्जैक्टली आर्टिकल 29 में। और ये हमारे एक ग्रुप को या सिटीजन्स को, इंडिविजुअल को जिससे भी बिलोंग करते हैं, उसके पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की पावर देता है, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, जो धर्म से बिलोंग करते हैं, जिन जो ऐसे धर्म जो माइनॉरिटी में हैं, ऐसे लैंग्वेज वाले लोग जो बहुत कम बोली जाती है, ऐसे लोगों को सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 29 क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। 29 में क्या होगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम और लिख लेते हैं, इसमें ग्रीन पेन से लिखते हैं, क्या होता है इसमें, रिलीजियस प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इनका क्या होता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेस्ट्रिक्ट किया है इसमें, क्या कहा है इस आर्टिकल 29 के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 29 इनको स्ट्रिक्टली केवल कुछ माइनॉरिटीज तक के लिए आप उसे नहीं रोक सकते हो। आर्टिकल 29 के अंडर ये माइनॉरिटीज के अलावा भी इसका स्कोप बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सेक्शन माइनॉरिटीज, राइट। सो मेजोरिटी वालों लोगों के लिए भी है, लागू होता है, जो आर्टिकल 29 और 30 में जो है केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, इसमें माइनॉरिटीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल माइनॉरिटीज के लिए होता है। माइनॉरिटी कौन होता है, जिनकी जनसंख्या कम होती है, अल्पसंख्यक होते हैं, तो केवल उनके लिए ही नहीं है, यह है आर्टिकल सबके लिए है जो मेजोरिटी में भी है, जैसे हिंदूज है दे आर इन मेजोरिटी, तो यह उनके लिए भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या कहा
इस आर्टिकल 29 के तहत आप अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज की रक्षा के लिए आप एजिटेट कर सकते हो, राइट? आपको पूरा अधिकार है, आपकी लैंग्वेज की रक्षा नहीं हो रही है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो। ठीक है? सो पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रोमिसेस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए सेक्शन टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई भी पॉलिटिशियन केवल झूठा दिलासा नहीं दे सकता है कि हम आपकी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे। सो आर्टिकल 29 के अंदर क्या होता है, माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज, उनकी लैंग्वेजेस, उनके कल्चर सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल राइट कृष्णा, चलिए थोड़ा हम अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 हो गया, लेट्स टू आर्टिकल 30। यस, आर्टिकल 30 आज हम हमारी फंडामेंटल राइट्स पूरी कर लेंगे। ठीक है, आज हम हमारी फंडामेंटल राइट्स पूरी कर लेंगे, पर आर्टिकल 30 कर रहे हैं। आर्टिकल 32 जो कि हमारी आर्टिकल 35 तक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32, डू नॉट मिस दैट। और जब हमारी आज फंडामेंटल राइट जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और हमारी आज एक ही क्लास होगी बिकॉज नेहा इज नॉट अवेलेबल टुडे फॉर द क्लास। सो जब तक हमारी ये क्लास चलेगी मे बी 5-10 मिनट्स ऊपर और हो जाएगा, राइट? तो जब तक हमारी क्लास चलेगी तब तक हम क्लास लेंगे, फिर जैसे ही एंड होगी दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर टुडे। द हिंदू की क्लास नहीं होगी क्योंकि नेहा आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये कहता है राइट टू, व्हाट राइट टू, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहले में क्या कहा, पहले में कहा, इससे पहले आर्टिकल में क्या है, 29 वाले में क्या कहा कि आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और आर्टिकल 30 में क्या है, राइट राइट ऑफ माइनॉरिटीज, लेट्स लेट मी टेक ओवर हियर, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यह होता है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 जो कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल राइट इंस्टीट्यूशंस। सो इसमें ऑल माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको सबको राइट है स्टैब्लिश करना या उनको एडमिनिस्टर करना, किसको, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। क्या कर सकते हैं, जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने एडुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश के साथ साथ एडमिनिस्टर भी कर सकता है। दैट इज आर्टिकल 30 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्रोविजन हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर विद ब्लैक पेन, स्टैब्लिश
एंड एडमिनिस्टर क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसके बाद जो होता है कंपेंसेशन, कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट, किसके लिए? कंपल्सरी एक्विजिशन किसी भी प्रॉपर्टी का जो कि माइनॉरिटी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए लिया है, शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट राइट गारंटीड टू देम। तो आर्टिकल जो 30 के अंदर 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में माइनॉरिटीज के लिए यह लाइक इट वाज एक्ट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, जो डिलीट किया गया था। लेकिन एक तरह से कंपेंसेशन दिया गया, किसको दिया गया? माइनॉरिटीज को। क्या दिया गया? दिस कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट, इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इनको रोक नहीं सकता। अगर वो माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी को बढ़ावा देने के लिए, माइनॉरिटी की एडुकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये कब हुआ? प्रोविजन वॉज एडेड इन 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, ठीक है। सो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये उनको राइट दिया गया, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद जो आता है, राज्य जो है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। लेट मी सी कौन कौन है अभी अवेलेबल क्लास में। ओके, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, ये आर्टिकल 30 के अंदर राज्य जो है वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जो कि माइनॉरिटी चला रहा है। सो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? अगेंस्ट एनी एडुकेशनल, अगेंस्ट एनी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय हुम? मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। ठीक है, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। सो द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस। जैसा कि 29 में क्या कहा गया है, 29 में कहा गया कि दिस सेक्शन इज नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटी, यह सबके लिए है, मेजोरिटी के लिए भी। लेकिन आर्टिकल 30 में ये कहा जा रहा है कि यह आर्टिकल जो है इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक वाले, और ये किसी और सेक्शन के लिए लागू नहीं होता है। और कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि माइनॉरिटी वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं उसकी डेफिनेशन दी है, तो क्या लिखेंगे?
माइनॉरिटी वर्ड की डेफिनेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। सो अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में, वो जिससे बिलोंग करते हैं वो अपनी भाषा सिखाने के लिए एडुकेशन दे सकते हैं। यह है आर्टिकल 30 के अंदर। फिर माइनॉरिटी एडुकेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। लेट मी राइट ओवर हियर फॉर यू ऑल, माइनॉरिटी एडुकेशन। मैं आप लोगों को स्लोली स्लोली धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, बिकॉज मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को स्लोली स्लोली एक एक पॉइंट को फोकस करते हुए समझा रहा हूँ, ठीक है। सो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तीन तरह के होते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो राज्य से हेल्प लेते हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको रिकॉग्निशन की आवश्यकता है, और अपनी एड कहां से लेते हैं, स्टेट से लेते हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूशन दूसरे तरीका का माइनॉरिटी एजुकेशन होते हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसे रिकॉग्निशन की आवश्यकता है। एड की आवश्यकता नहीं है, एड मतलब एनी काइंड ऑफ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, उसे एड बोलते हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसे रिकॉग्निशन की भी आवश्यकता नहीं है और एड की भी आवश्यकता नहीं है, ये तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। सो अब एड कैसा हो सकता है भाई, जैसे को एम्प्लॉयमेंट के कुछ सैनिटेशन की आवश्यकता हो, टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता हो। सो ऐसे तीन तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये हमारा आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। वी हैव कवर्ड आर्टिकल 29 एंड 30। उसके बाद हमारा शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन सा? देखो आर्टिकल 30 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 30 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है? यस, कृष्णा ने सही लिखा है, क्योंकि आर्टिकल 31 तो है ही नहीं, उसे तो रिपील कर दिया गया है। 44th अमेंडमेंट 1978 के को आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी होता था, उसे तो खत्म कर दिया गया है। अब ये क्या है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जागृति, 31A, 31B, 31C इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया, कौन से अमेंडमेंट के प्रोसेस से हटाया गया और कौन से ईयर में हटाया गया, ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 31 में। और एक ये इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स में कितनी राइट्स होती हैं, जो कि 6 होती हैं, ओरिजिनली 7 थी, और एक कौन सी हटाई गई, जो कि आर्टिकल 31 हटाया गया, जिसे बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, इसे रिमूव कर दिया गया, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद जो आता है हमारे पास, दैट इज अबाउट राइट टू रेमेडीज, ठीक है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया है। सो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 अगर नहीं हो, अगर यह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नहीं हो, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमारा फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर हमारा ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में आता है, यह अगर ना हो तो फंडामेंटल राइट्स इसके बगैर अधूरा है, इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। किस लिए? क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ही है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। अगर यह नहीं होगा तो हमारा फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्टिकल 32 करता है, और ये फंडामेंटल राइट को रियल बनाने का काम करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी क्या कहा है, बिना इस कॉन्स्टिट्यूशन के, यस एब्सोल्युटली, किसने लिखा है? जागृति ने लिखा है, यस ही हैज सेड आर्टिकल 32 एट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फंडामेंटल राइट, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा है, इट्स अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या कहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के लिए, भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे, ये बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं हटा सकता, कोई रिमूव नहीं कर सकता, राइट? इसके साथ छेड़छाड़ी कोई नहीं कर सकता, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इसको लिया नहीं जा सकता, इसको रिपील नहीं किया जा सकता। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट इज गारंटीड। आर्टिकल 32 के तहत आपकी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होती हैं। इसके थ्रू आप सीधे फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दैट इज अबाउट आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? इट सेज कि कोई भी एंड फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए, आपको फंडामेंटल राइट्स को गारंटीड के लिए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एज पर दिस आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू व्हाट डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स, डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स अगर लागू नहीं हुई है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या कर सकता है? एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स इशू करने के लिए कह सकता है। यही शक्ति जो आर्टिकल 32 में दी गई है, ये जो आर्टिकल 32 में है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की है ना, लेकिन यही पावर हाई कोर्ट को भी दी गई है। हाई कोर्ट को किस में दी गई है? हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल में दी गई है? हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दी गई है। एब्सोल्युटली करेक्ट, किसने कहा ये? यस जगृति, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड जगृति, आर्टिकल 226 में दी गई है, ठीक है। अब इसने कुछ रिट्स हैं, वो रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
रेट्स हम देख लेते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ रेट्स होती हैं जो इनके नाम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हबीस कॉर्पस, ये आपको याद करने ही होंगे। फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स के नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, वन सेकेंड। ठीक है, रिट्स। सबसे पहले कौन सी होती है, थोड़ा छोटा हो गया। यस, नंबर वन इज हबीस कॉर्पस, एच ए बी ई ए एस, एच ए बी ई ए एस, हबीस कॉर्पस, विच मीन्स टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। ये हम समझेंगे क्या होता है हबीस कॉर्पस। उसके बाद आता है मेंडमस, ठीक है। नंबर थर्ड हबीस कॉर्पस मेंडमस प्रोहिबिशन, हबीस कॉर्पस मेंडमस प्रोहिबिशन, देन सरी सरी, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बोलता हूं सर्टियोरारी, ताकि स्पेलिंग याद रहे, सर्टियोरारी। वैसे प्रोनाउंसिएशन होती है सरी सरी। फिर को को वारेंटो, को वारेंटो, ये फाइव टाइप्स की रिट्स होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है हबीस कॉर्पस, वन सेकेंड। ठीक है, हबीस कॉर्पस में अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। हबीस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। ये कोर्ट इशू करता है, इसका मीन्स होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। सो टू हैव द बॉडी ऑफ, टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट पास करता है अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है। उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो अगर सुप्रीम कोर्ट लगता है कि वो उसको देखना है कि जिंदा है क्या कैसा है, उसे उसकी अगर वो कहीं भी कुछ डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं, रिट पास कर सकते हैं, डेट इज रिट इश्यू कर सकते हैं टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये यूज करके, हबीस कॉर्पस यूज करके उसको किसी को लोअर किसी भी ऑफिशियल बॉडी को ऑर्डर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह करेगा और सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा कि उसको डिटेंशन किया गया, उसको अरेस्ट किया गया है, वो सही है या नहीं है, या उसे फ्री कर देना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे राइट टू फ्रीडम किसी की छीन ली गई है, किसी को अरेस्ट कर लिया गया है और वो पता नहीं मिल नहीं रहा, या उसके साथ कुछ गैर कानूनी काम किया जा रहा है, उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके रिट लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जी प्लीज रिट लगाइए। कौन सी, हबीस कॉर्पस लगा करके वो ऑर्डर देंगे कि उस पर्टिकुलर बंदे उसे लाया जाए मेरे सामने। ठीक है, ये क्यों होता है, आर्बिट्री डिटेंशन, फोर्सफुली किसी को डिटेन किया जाता है, पुलिस वाले अपनी पावर का फायदा उठा रहे होते हैं तो
या हबीस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। ठीक है, तो हबीस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज। किस किस के अगेंस्ट लग सकता है? पब्लिक अथॉरिटीज और उसके साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल, इन दोनों के अगेंस्ट लग सकता है। ठीक है, और कब लगेगा? ये तो लग जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट लगता है कि कुछ अनलॉफुल हो रहा है, लेकिन ये हबीस कॉर्पस कब नहीं लगेगा वो देखने वाली बात है। हबीस कॉर्पस कब लागू नहीं होगा? वो तब लागू नहीं होगा जब किसी को डिटेंशन किया गया है। वो क्या है? डिटेंशन इज लॉफुल, कानूनी तरीके से किसी को डिटेन किया गया है जो कि सही है, तब यह लागू नहीं होगा। और कब लागू नहीं होगा? कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोर्ट की, कोर्ट के अगेंस्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, तब भी यह लागू नहीं होगा। और कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, ज्यूरिडिक्शन या ऐसे लिखे हैं, डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ये जब डिटेंशन लॉफुल हो तब नहीं लगेगा फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ये हबीस कॉर्पस जो कि रिट है ये नहीं लगेगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है तब भी नहीं लगेगा। डिटेंशन इज आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब वो पर्टिकुलर बंदा जो डिटेंशन में है, अरेस्ट किया गया है, वो उस कोर्ट की पावर के बाहर है। एग्जाम्पल राजस्थान हाई कोर्ट है, वो रिट नहीं लगा सकता है। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है यूपी के अंदर या गुजरात के अंदर, रिट कब लग सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट रिट लगाए, हाई कोर्ट रिट नहीं लगा सकता है। हाई कोर्ट के लिए रिट कौन से आर्टिकल में है? 226 में है। डिटेंशन, व्हेन डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, देन नो वन कैन इशू हबीस कॉर्पस। ठीक है, ये होता है हबीस कॉर्पस। आई होप हबीस कॉर्पस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर पे। ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिट हमने पढ़ा, सेकेंड नंबर ऑफ रिट इज विच वन? सेकेंड नंबर मैंडमस, स्पेलिंग लिख लेते हैं, MANDAMUS, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिट। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम कमांड देते हैं। सो इट्स अ कमांड इशूड बाय कोर्ट। ये इशू कौन कौन करेगा? ये इशू करेगा कोर्ट करेगा। किसको करेगा ये रिट? किसको इशू की जाएगी ये रिट? इशू की जाएगी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल्स को इशू की जाएगी कि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करें। जो वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गए हैं, राइट, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गए हैं,
या रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर रिट लाएगा कि अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म की जाए, ठीक है, सही तरीके से परफॉर्म की जाए। ये तो गया, और ये किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट हो सकती है, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट हो सकती है, इंफीरियर कोर्ट, कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट लगाएगा तो हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट भी लगा सकता है, और किसी भी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट यह रिट लगाती है कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वैक्सीन्स नहीं बांटती, फ्री में नहीं बांटती, तो क्या होता, या बांटने का इंसेंस, फ्री में वैक्सीन नहीं लगाती, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती थी, वो मैंडमस रिट लगा सकती थी कि भैया अपना काम करो, व्हाई यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, यू शुड डू इट राइट। सो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पब्लिक बॉडी को, किसी भी इंफीरियर कोर्ट को कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे। अब ये रिट किसके ऊपर नहीं लग सकती वो हम देख लेते हैं। रिट कैन नॉट बी इश्यूड ऑन किस किस के ऊपर रिट इश्यू नहीं होगी, रिट कैन नॉट बी इश्यूड, वो हम देखते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला किस पे रिट इश्यू नहीं होगी, नंबर वन है कि ऐसा कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल पे रिट लागू नहीं होगी। ये ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, लोअर कोर्ट्स के लिए है, प्राइवेट ऑफिशियल्स के लिए नहीं है। और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस ऐसे जिनके पास स्टेट्यूटरी फोर्स नहीं है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन भाई, जिनके पास काम करने वाले लोग ही नहीं है, उनके ऊपर कैसे लग सकते हैं, उनके ऊपर भी नहीं लगेगी, ठीक है। और When it is not mandatory, जब ये मैंडेटरी नहीं हो तब भी नहीं लगेगी, किसी के ऊपर ऑब्लाइज ना हो, कंपल्सरी ना हो, या कह सकते हो फोर्थ, कह सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ना हो, ठीक है, या फिफ्थ कह सकते हो प्रेसिडेंट या एंड गवर्नर, इनके अगेंस्ट भी रिट नहीं लग सकती है, या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस, आप कह सकते हो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसके अगेंस्ट भी नहीं लगी। ये रिट्स मैंडमस जो है, वी कमांड, मैंडमस के वर्ड पे मत जाओ, बस इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है वी कमांड, हम जब आदेश देंगे, आदेश किस किस को देंगे, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को देंगे, किसी भी कोर्ट को दे सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं, यह होता है मैंडमस। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे, हबीस कॉर्पस भी क्लियर हो गया होगा, एंड दूसरा मैंडमस में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नंबर थर्ड पे आते हैं, नंबर थर्ड इज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब आपको वैसे ही पता है, टू फॉरबिड होता है,
रोकना, किसी के ऊपर रोकथाम लगाना, यह क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है। अभी प्रोहिबिशन किसके लिए होता है वो भी हम देख लेते हैं। सो इट फॉरबिड, यह हायर कोर्ट, यह रिट कौन क्लास लगा सकता है? प्रोहिबिशन हायर कोर्ट लगाएगा लोअर कोर्ट के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है किस किस के ऊपर, ये हम बना लेते हैं। 1 मिनट, टॉप लेवल पे कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके नीचे कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट होता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ये कोर्ट होते हैं। ठीक है, जब ये कोर्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये प्रोहिबिशन रिट किस किस के ऊपर लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे भी लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे भी लगा सकता है ये रिट। और दूसरे हम रिट प्रोहिबिशन की बात करें, हाई कोर्ट किसके पे लगा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लगा सकता है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे लगा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन किसके ऊपर लगा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे यह रिट लगा सकता है। ठीक है, प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब कोई भी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा होता है, ताकत का दुरुपयोग यहां कैसे होगा? जब कोई भी कोर्ट अपनी एक्सेडिंग ज्यूडिक्शन, अपनी जो ज्यूडिक्शन है, ज्यूडिक्शन क्या होती है? एक एरिया होता है, जैसे हाई कोर्ट ऑफ जयपुर या जोधपुर का हाई कोर्ट है, उसका ज्यूडिक्शन क्या है, उसकी पावर क्या है? राजस्थान तक ही सीमित है, उसके आगे नहीं होगी। गुजरात का हाई कोर्ट या और कोई भी हम देख रहे हैं, चंडीगढ़ या हम देखें दिल्ली हाई कोर्ट या और कोई भी हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, और कोई भी हाई कोर्ट अवेलेबल जहां जहां पे हाई कोर्ट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक हाई कोर्ट है, तो जहां जहां भी हाई कोर्ट है वहां जिस एरिया में वो है उसी तक उसकी पावर होनी चाहिए। अगर वो एक्सीड करने की कोशिश करता है तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देगा कि भैया फॉरबिड हो जाओ, रुक जाओ, आपकी पावर इतनी नहीं है कि आप अपने ज्यूरिडिक्शन को क्रॉस करें। ठीक है, सो प्रोहिबिशन में क्या होता है, मैंडमस में क्या डायरेक्शन दी जाती है कि भैया ये काम करो? प्रोहिबिशन में क्या होता है, इन प्रोहिबिशन किसी भी इन एक्टिविटी के लिए, इन प्रोहिबिशन, 1 सेकेंड, कौन ज्वाइन कर रहा है? यस, लेट हिम ज्वाइन। ओके, सो वन सेकेंड, ठीक है, हाँ, सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। और ये किसके लिए होगी? जो भी जुडिशियल बॉडीज हैं, कौन सी बॉडीज? जो कि जुडिशियल बॉडीज है या क्वासी जुडिशियल है, क्वासी मतलब हाफ, थोड़ी जुडिशियल है, उनके अगेंस्ट यह रिट लग सकती है। जैसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जिन आईएएस एंड आरएएस ऑफिसर्स की के केसेस चलते हैं, वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है। तो इनके अंदर प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हायर कोर्ट लगा सकता है, यह होता है प्रोहिबिशन, जिसे हम बोलते हैं टू फॉर बेड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, और क्या होता है इसमें, ठीक है, इतना ही होता है, प्रोहिबिशन हो गया। उसके बाद आता है हमारे हमारा सर्टियोरारी, दैट इज आर फोर्थ
फोर्थ रेट सर्टी ओ रारी, इसको मैं प्रनाउंस तो रियल में करते हैं सारी सारी, पर इसको बोलते हैं सर्टियोरारी। सर्टियोरारी क्या होती है वो हम अभी देख लेते हैं। इट मींस टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, किसी को सर्टिफाई करना, किसी को या किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म भी होता है, ठीक है। इट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ए ट्रिब्यूनल आइदर टू इट सेल्फ और स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ अ लेटर इन केस। क्या होगा, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया, सबसे ऊपर कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कौन सा कोर्ट होता है, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये कोर्ट होते हैं। इसमें क्या होगा, हायर कोर्ट है जो लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देगा। सपोज यहां केस चल रहा है सलमान खान वाला केस, इसके अंदर क्या होगा, सलमान खान वाले केस के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस रेट यह केस डायरेक्टली अपने पास ले सकता है, अगर ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास है या कोई भी और केस चल रहा है, कोई भी केस हो, वो डायरेक्टली अपर कोर्ट अपने पास ले सकता है, अपर कोर्ट अपने पास ले सकता है, ये इसके पावर होती है। सो इट इज इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन या लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, किसी के पास ज्यूरिडिक्शन प्रॉपर नहीं है या लॉ का एरर हो रहा है, तो अपर कोर्ट वो केस अपने अकॉर्डिंग अपने पास ले लेगा, राइट। सो रिट ऑफ सर्टियोरारी या सरी सरी कुड बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ही होता है। किस किस के अगेंस्ट होता है, यह रिट होती है सरी सरी के रिट है, डेट इज फॉर डेट इज अगेंस्ट जुडिशियल प्लस क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है, क्लियर है। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इश्यू की जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इश्यू की जा सकती है। अंशु शर्मा के क्या हो रहा है भाई, अंशु शर्मा इस सेंडिंग कुछ भी मैसेज भेज रहा है भाई, इसको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे अगली बार से। चलिए, तो सर्टियोरारी या सरी सरी जो है वो जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट लगाई जा सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सरी सरी, और लास्ट आज का जो है फंडामेंटल राइट, दैट इज कौन सी, को वारंटो। ठीक है, वारंटो को वारंटो दैट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, या फिर दूसरा है वारंट, सो इट इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इन टू लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन। किस लिए इंक्वायर किया जाता है,
किसी पर्सन का किसी पब्लिक ऑफिस में क्या लीगलिटी है, इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन, इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ पर्सन। ठीक है, ये किस केस में इश्यू की जा सकती है? इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिस जो कि स्टैच्यू हो या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हो। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, दो तरह की बॉडीज होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई हो। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव ला करके बनाया गया हो। ये दो तरह की बॉडी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिस या तो स्टैच्यू हो या कॉन्स्टिट्यूशन, या तो स्टेटरी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अगर ये ऐसा है, इट कैन बी इश्यूड ओनली इन केस जब ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस है या पब्लिक ऑफिस है वो स्टेट्यूटरी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तभी वो ये को वारंटो। ये कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, तो दिस रिट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय एग्री पर्सन। सिंपली आप इतना समझ लीजिए, इसके अंदर को वारंटो में ये होता है कि एक इंक्वायरी करने के लिए किसी कोई क्लेम कर रहा है कि कितना वो लीगल है, उसके लिए यह लगाई जाती है, या स्टेटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी ऑफिस में ही लगाई जा सकती है। ये हमारे पांच के पांच रिट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 हमारा कंप्लीट है। आर्टिकल 32 के बाद हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 33। बस हमारे तीन ही बचे हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35। हमारा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टाइम और लूंगा फिर हमारी आज की क्लास एंड हो जाएगी। आर्टिकल 33 क्या होता है? इट एम्पावर्स, व्हाट इट एम्पावर्स? पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कि ये किस पे लागू नहीं होगी? फंडामेंटल राइट्स किस पे लागू नहीं होगी? फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस पे लागू नहीं होगी। और किस पे लागू नहीं होगी? पैरामिलिट्री फोर्सेस पे नहीं लागू नहीं होगी। गवर्नमेंट को, अब उनको राइट टू स्पीच मिली हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उनको सीक्रेट पता है तो सब जाके बोल देंगे, राइट? तो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स में उनके ऊपर लागू नहीं होती है, आर्म फोर्सेस पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, पुलिस फोर्सेस पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, पुलिस फोर्सेस पे, इंटेलिजेंट एजेंसीज, इन पे लागू नहीं होते। सो एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स, इन लोगों पे लागू नहीं होती है, राइट? या लागू नहीं होती है नेवी पे, लागू नहीं होती है एयरफोर्स पे, लागू नहीं होती है पुलिस फोर्सेस पे, लागू नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट्स जो मैंने मेंशन किया है इन सभी लोगों पे लागू नहीं होते। और किन पे लागू नहीं? और लागू जो मैंने लिस्ट लिखी है और मैं नोट दिए हुए हैं वो आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि और किन पे लागू नहीं होती। फिलहाल के लिए आर्टिकल 33 इतना ही है। फिर
आता है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 34 है, दैट इज अबाउट मार्शल लॉ। सो आर्टिकल 34 जो कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स है, व्हाइल मार्शल लॉ इज इनफोर्स इन एन एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मार्शल लॉ क्या होता है, क्या होता है मार्शल लॉ, जब मिलिट्री रूल लगता है। मार्शल लॉ को क्या बोलते हैं, जब मिलिट्री रूल लगता है पूरे देश में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तब फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन ली जाती है, आपसे ले ली जाती है वापस से। चाहे आप किसी भी ऑफिस में हो या किसी भी जगह वर्क करते हो, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है वो आपसे ले ली जाती है। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या फर्क होता है, मार्शल लॉ ये होता है जब फंडामेंटल राइट्स आपके छीन ली जाती है, इमरजेंसी जब लगती है, जब आपके नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपके बहुत सारे राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ में इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट रन करती होती है, लेकिन मार्शल लॉ जब मिलिट्री रूल लगता है तब आपसे गवर्नमेंट भी रन नहीं करती, गवर्नमेंट की सरकार भी नीचे, इसको सरकार भी नीचे गिर जाती है। राइट, और मार्शल लॉ में क्या होता है, इट इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ। सीधा सीधा गवर्नमेंट रन करना बंद हो जाती है और मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है। सेकेंडली और क्या होता है, पूरे देश में तीन ही तरीके से नेशनल इमरजेंसी में वॉर, एक्सटर्नल या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन पे की वजह से नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 34 है जो कि फंडामेंटल राइट मार्शल लॉ के ऊपर है। आपसे वन सेकेंड, और भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं अभी, आप लोगों को पता नहीं होगा कि आज हमारी क्लास द हिंदू की क्लास नहीं है। ओके, चलिए लास्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। आर्टिकल 35 क्या है, जो कि हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है जो आज हम कर रहे हैं, ये जो कि आर्टिकल 35 जो कहता है, द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, जो कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। ये आर्टिकल 35 कहता है, तो पावर टू मेक लॉज किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। जैसे आर्टिकल 60 में एम्प्लॉयमेंट के केस में कुछ रिजर्वेशन देना था, एम्प्लॉयमेंट के केस में कुछ भी, प्रमोशन के केस में या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के केस में होता है, तो लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट क्या एम्पावर करती है, पार्लियामेंट एम्पावर करती है कोर्ट्स को कि वो रिट्स को एस्टैब्लिश करे, लगाए। राइट, तो आर्टिकल 35 क्या कहती है, पार्लियामेंट इज द वन हु लाइक कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं या कोई भी लॉ बनाना चाहते हैं, दैट कम्स इन आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी आप इसको एक बार अपने लेवल पे पढ़िएगा, आर्टिकल 35 तक पढ़िएगा, पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा, आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी प्रोविजन में कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, आपके पास में आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज हमारा काफ़ी टाइम एक्सटेंड हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज ना हिंदू की क्लास नहीं होगी,
आज हिंदू क्लास में ही होने वाली, क्योंकि नेहा इज नॉट अवेलेबल फॉर द क्लास, लेकिन हम ने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा टॉपिक काफी लंबे टाइम से चल रहा था, वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको नोट्स दिए हुए हैं, आप एक एक टॉपिक एक एक को अच्छे से रीड कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, इशू होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो विद न्यू टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स के बाद क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। हम कल शुरू करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद होगी द हिंदू की क्लास। ऑल राइट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव ए